A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 12. And the name of the chapter is Definite Integral and its Application. It means I am talking about the chapter number 10. Today this one is the fourth lecture on the exercise 10.5. We already done the question number 1 to question number 18 in my previous 3 lectures. So if you still not watch the previous lecture, so please do watch all that lectures first. Now I'm going to take the question number 19 and onwards in this lecture. So I hope you will enjoy this video. So let's start the lecture. Look at the board question number 19. X square plus y square is equal to 16. जिसने क्वेश्चन में कहा गया है कि सर्कल, तो आपको देखने से भी पता है ये दिस वन इज व्हाट इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. और कहा पैराबोला x square is equal to 6y. आपको देखते ही पता चल गया कि ये इक्वेशन किसकी है, पैराबोला. तो आपको एरिया फाइंड आउट करना है एनक्लोज बाय सर्कल एंड द पैराबोला. तो सबसे पहले तो कोई भी सर्कल हो तो उसका सेंटर फाइंड आउट करिए और उसकी रेडियस फाइंड आउट करिए. तो हमें ये सर्कल पता है x square plus y square is equal to 16 और 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं. तो जब हम इसको कंपेयर करते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर. तो आपको यहां से स्टैंडर्ड फॉर्म से पता चल जाता है यहां x माइनस h का होल स्क्वायर होता है, y माइनस यहां k का होल स्क्वायर होता है इज इक्वल टू r का स्क्वायर होता है. अभी ध्यान से देखिए, अब मैं थोड़ा सा बेसिक रिवाइज करा रहा हूं, अदरवाइज अभी हम सर्कल के इक्वेशंस देखेंगे तो क्वेश्चन काफी लेंथी लेंथी होंगे. तो आपको कोशिश करना है डायरेक्ट निकालना आना चाहिए कि सेंटर क्या है और रेडियस क्या है. तो यहां से आपको h और k पता चलते हैं सेंटर. तो इसको कंपेयर करते हैं तो यहां h और k की वैल्यू क्या आती है, 0 0. इसका मतलब हमारे सर सेंटर है ऑफ द सर्कल वो 0 0 है और r इज बेसिकली रेडियस. तो r को कंपेयर करते हैं तो r की वैल्यू क्या मिलती है, 4. तो हमें रेडियस मिल जाती है 4. इसका मतलब हमें एक सर्कल प्लॉट करना है जिसका सेंटर 0 0 होना चाहिए और रेडियस 4 होनी चाहिए. तो आप इसको वैसे प्लॉट कर सकते हैं. तो ये सेंटर है इसका 0 0 और रेडियस 4 है. तो नेचुरली यहां से यहां तक का डिस्टेंस रेडियस ही कम करती है. तो ये पॉइंट क्या होगा आपका 4 0 और ये पॉइंट -4 0. सिमिलरली ये पॉइंट 0 4 और ये पॉइंट 0 -4. तो हमें सर्कल प्लॉट कर लिया जिसकी रेडियस क्या है हमारी, 4 सेंटीमीटर. अब हमें इस पे फोकस करना है. x square is equal to 6y. ये क्या है हमारा पैराबोला. और पैराबोला ये कौन सा पैराबोला है, जब कंपेयर करते हैं इसको x square is equal to 4ay. इट मींस ये रिप्रेजेंट करता है अपर पैराबोला. तो आपको पता है अपर पैराबोला कैसा होगा, तो मैं ब्लू मार्कर का यूज करके इसको ड्रॉ करता हूं. अब आपके माइंड में होगा सर आपने तो उसको ड्रॉ कर दिया लेकिन इसका वर्टेक्स चेक नहीं करा, क्योंकि आपको देखते ही पता चलता है यहां से. यदि हम इसके वर्टेक्स की बात करते हैं तब एक्स को हम यदि रिलेक्ट करेंगे 0 तो हमें इसके कोरस्पोंडिंग वाई भी क्या मिलेगा, 0. क्योंकि एक्स को 0 पुट करने से वाई की वैल्यू क्या मिल रही है, 0. तो वर्टेक्स हमें क्या मिल रहा है, 0 0. इसलिए मैंने इसको यहाँ पे यूज नहीं किया. तो वर्टेक्स यहाँ पर भी 0 0 है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पर दो पॉइंट मिल गया आपको, एक पॉइंट तो ये मिल गया और एक पॉइंट ये. दीज टू पॉइंट्स आर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स. तो आपको ये पता होना चाहिए तो आप उसका इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो आपका बाउंडेड एरिया यहां पर कौन सा हुआ, दिस वन इज माय बाउंडेड एरिया. तो आपको ये बाउंडेड एरिया फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम फाइंड आउट क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स. तो वो कोई चीज समझ आ गई है. अब हम इन दोनों को सोल्व करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे. तो प्लीज नोट डाउन, नाउ सॉल्व दिस. अब यार यहां से पता है x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 6y. तो हम यहां पुट कर देते हैं x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 6y. तो 6y + y स्क्वायर
इज इक्वल टू 16, ये वाली होगी सिंप्लीफाइड टू y स्क्वायर प्लस में 6y माइनस के 16 इक्वल टू 0। y स्क्वायर प्लस में फैक्टराइज कर दीजिए 8y माइनस में 2y माइनस में 16 इक्वल टू 0। y कॉमन आउट होके y प्लस 8 माइनस 2 कॉमन आउट हो जाएगा y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो y माइनस 2 और y प्लस 8 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि या तो y की वैल्यू 2 हो सकती है या y की वैल्यू क्या हो सकती है माइनस 8 हो सकती है। आपको दोनों चेक करनी है कि ये वैल्यू एग्जिस्ट, कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, क्या दोनों एग्जिस्ट करती है क्या एक एग्जिस्ट करती है। तो y की वैल्यू 2 है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से निकालते हैं हम x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। तो हम y की वैल्यू 2 पुट करते हैं 6 इनटू 2, इसका मतलब वैल्यू मिलती है हमें 12। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस रूट 12, और रूट 12 को हम शॉर्ट फॉर्म में 2 रूट 3 लिख सकते हैं। यस, तो इसका मतलब x की दो वैल्यूज आ गई। तो हमारी एक y की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू एक तो 2 रूट 3 मिल रही है, और फिर x की वैल्यू 2 पे ही हमें माइनस 2 रूट 3 भी मिल रही है। इसका मतलब ध्यान से सर्च करिए कि ये पॉइंट कौन सा हो सकता है। x की वैल्यू तो 2 रूट 3 है और y की वैल्यू 2। इसका मतलब y तो दोनों में सेम है, तो आपको ये देखेंगे तो ये जो पॉइंट्स मिलेगा आपको, ये पॉइंट सेम मिलेगा, ये जो वैल्यूज मिलेगी आपको, ये वैल्यू किसकी वैल्यू है 2 वैल्यू है। तो ये थोड़ा ऊपर नीचे पॉइंट दिखाई दे रहा है, वैसे अदरवाइज क्या बिल्कुल स्ट्रेट है ये। और ये जो पॉइंट मिल रहा है आपको ये पॉइंट, तो ये 2 रूट 3 नेगेटिव में है, और जो ये पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको तो ये प्लस 2 रूट 3। इसका मतलब हम ध्यान से देखें तो यहां पे 4 एरिया डिवाइड हो जाते हैं, यदि आप इसको ध्यान से देखते हैं ऐसे करके। अब यहां पर आपको टोटल बाउंडेड एरिया निकालना है, तो मैं थोड़ा इसको रेड मार्कर से शो कर रहा हूं, तो ध्यान से देखना दिख रहेगा आपको। आपको एक एरिया तो ये दिखाई दे रहा है, आप सोच रहे होंगे सर ये एरिया निकाल ले तो इसका डबल कर देंगे तो ऑटोमेटिकली दोनों एरिया निकल जाएंगे, फिर हम उसके बाद कौन सा एरिया निकालेंगे ये वाला एरिया। तो आपको दिखाई देगा सर यदि ये एरिया निकाल लिया क्या तो इसका डबल कर देंगे तो ये भी एरिया निकल जाएगा। इसका मतलब आपको इंटीग्रल कहां से कहां तक करना है, एक तो यहां से यहां तक का इंटीग्रल करना है और एक यहां से यहां तक का इंटीग्रल करना है। तो क्योंकि ये अलोंग एक्स एक्सिस से तो जॉइंट नहीं है, अलोंग किससे अटैच है वाई एक्सिस से, तो आप इसको इंटीग्रेट कहां से कहां कर दो अलोंग वाई एक्सिस से। तो यहां वैल्यू क्या है वाई की 0 है, और यहां वाई की वैल्यू क्या है 2, और यहां वाई की वैल्यू कितनी है 4। इसका मतलब इंटीग्रल दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, एक तो 0 से 2 और एक 2 से 4। तो इस टाइप से दो इंटीग्रल में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन याद रखना है 0 से 2 यहां पर देखिए इन्वॉल्व क्या हो रही है, ये क्या चीज है हमारी पैराबोला, और यहां ऊपर क्या यूज हो रहा है सर्कल, मतलब 0 से 2, तो मैं यहां लिख भी देता हूं 0 से 2 क्या है आपका पैराबोला है, और 2 से 4 हमारा क्या है सर्कल है। तो आपको इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहां तक क्लियर हो गया, अभी तो हमने एक वैल्यू ली। तो सर आप सोच रहे होंगे कि सर आपने y इक्वल टू माइनस 8 को क्यों नहीं सोल्व करा, आप तो इसको सोल्व करने ही लगे कंप्लीट, क्या इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? नो, कैसे नहीं पड़ेगा ध्यान से देखिए, y की वैल्यू माइनस 8 आई है, और y की वैल्यू क्या है हमारी x स्क्वायर की वैल्यू क्या है x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। तो जब हम y को माइनस 8 पुट करते हैं तो ये हमें क्या वैल्यू देगा माइनस के 48 देगा, और x स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज नेगेटिव, तो इसका मतलब वो रियल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने से आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलती है यदि वो रियल नंबर है, अदरवाइज वो कौन सा इमेज नंबर होगा इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ पे इमेजिनरी नंबर तो हम प्लॉट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं रियल नंबर की। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू माइनस 8 पे देयर इज नो एग्जिस्ट x रियल वैल्यू, तो रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए दिस वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 8 नॉट पॉसिबल। तो आपकी ओनली दो ही पॉइंट कंसीडर होंगे, ये आपका ए पॉइंट हो गया और ये आपका बी पॉइंट, ये दो ही पॉइंट आपके इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया है, तो प्लीज नोट डाउन। Now look at the board, अब आप इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे। हमारा रिक्वायर्ड जो एरिया है इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू, मैं डबल कर देता हूं
क्योंकि इस एरिया को मैं क्या नाम दे देता हूँ, A1 नाम दे देता हूँ, और इस वाले एरिया को क्या नाम दे देता हूँ, A2। तो एरिया 1 प्लस में एरिया 2, दोनों के एरिया काउंट होंगे। और ये भी क्या होगा, पॉजिटिव, और ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या है, हम यूज कर रहे हैं अलोंग वाई के टर्म्स में, और दोनों के दोनों लाई करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, लाइन ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में लाई करते हैं, जिसके हमने दोनों के दोनों क्या अकाउंट होंगे, पॉजिटिव। अब स्टार्ट करिए 2 into फर्स्ट एरिया कहां से कहां स्टार्ट है, 0 से लेके 2। अब देखिए हम y की लिमिट ले रहे हैं, तो किसकी वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालनी है, और ये है क्या हमारा 0 से 2 पैराबोला, तो पैराबोला ये रहा। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगी, √6y। तो ये हो गया आपका √6y dy प्लस सेकेंड एरिया, ये इसके लिमिट 2 से 4, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 2 से 4, और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, x² = √16 - y² पॉजिटिव नेगेटिव, बट आप कंसीडर करेंगे पॉजिटिव वैल्यू, 16 - y² इंटू। इसका मतलब यही आपका फाइनल आंसर है। तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 into 0 to 2, ये रूट सिक्स अलग लिख लीजिए इसको, और ये इसको रूट अलग लिख लीजिए, क्योंकि दोनों का रूट है ये, इंटू में डिवाइड, प्लस ये 2 से 4, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर - y का स्क्वायर। अब यहां से हम इंटीग्रल सोल्व करेंगे, इंटीग्रल काफी बड़े बड़े हैं, क्वेश्चन आपको दिख गए होंगे, क्वेश्चन काफी लेंथी है, तो इसके लिए आपको कम से कम एक क्वेश्चन को 2-2 बार निकालोगे तब जाके आपका क्वेश्चन समझ आएगा, अदरवाइज एग्जाम में आप इतनी इजीली इस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। प्लीज मेक अ नोट, नाउ सॉल्व दिस 2 HP's, √6 बाहर आ जाएगा, वाई की पावर रूट है, तो वाई का रूट तो आपने बहुत बार सोल्व किया है, पावर 1/2 है, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो कितनी पावर हो जाएगी, 3/2 से आपने इसको डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये 2 इसके साथ भी है, ये 2 इसके साथ भी है, तो मैं अलग अलग लिख देता हूं, क्योंकि इसकी लिमिट क्या है, दोनों की अलग अलग है, ये लिमिट 0 से 2 प्लस 2 into। अब ये देखिए, ये तो a² - x² है, आइडेंटिटी हमें पता है, x√x² - 1, तो 4 का स्क्वायर - y² / 2 प्लस में a² / 2, a² / 2 साइन इनवर्स x / a। तो जहां x की आइडेंटिटी थी वहां y यूज कर लिया, जहां a था वहां पर हमने क्या यूज कर लिया, 4, क्योंकि यहां a की वैल्यू 4 है, और यहां लिमिट कितनी है, 2 से 4। तो ध्यान से सोल्व करिए, मैं 1 by 1 इसको सोल्व करता हूं, पहले 2√6 इसको ऐसे प्रॉपर कर देंगे 2/3। ये सारे टर्म तो देखिए कॉन्स्टेंट है, तो इन टर्म को तो मैं पहले बाहर ले आता हूं, अंदर क्या रह गया, ओनली वाई, और ऊपर पावर कितनी है, 3/2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2। इससे ही को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले 2 into 2 = 4, 4/3√6, वाई की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2, तो 2 की पावर कितना हो गया, 3/2, और 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 0, और सॉल्व करिए इसको, 4/3√6, 2 की पावर 3/2, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1/2, इससे क्या होगा, 4 into 2 = 8/3, और ये रूट और रूट, हाँ रूट 6, और ये 2 की पावर 1/2 है, इसको अगेन रूट में लिखा जा सकता है, तो ये क्या बन जाएगा, तो सिंप्लीफाई करते हैं, तो 8/3 और ये 12, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 8/3 और √12 को क्या लिखा जा सकता है, 2√3। तो यहां से हमें 16/3√3 मिल गया, ये चीज क्लियर हो गई। तो मैं यहां से इसको रख करके क्या वैल्यू यूज कर लूंगा, 16/3,
ताकि फिर ये वेल थोड़ा कॉम्प्लेक्स ना हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा काफी बड़ी इंटीग्रेशन से। तो प्लीज नोट डाउन, नाउ सॉल्व दीज वैल्यूज। टू y इक्वल 4 पुट करेंगे, देखिए यहां से तो 4 यहां पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 0, इसका मतलब पहले टर्म में 0 मिलेगी, प्लस 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 2, 8 इंटू साइन इनवर्स 4 अपॉन में 4, अपर लिमिट हो गई। माइनस के लोअर लिमिट पुट करनी है, ध्यान से करिएगा, y की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो ये बन जाएगा 2 अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाय 2 प्लस 16 अपॉन में 2, 8 साइन इनवर्स y की वैल्यू 2 अपॉन में 4। ध्यान से सॉल्व करिएगा, काफी टफ इंटीग्रेशन से इसमें, 8 साइन इनवर्स 1 माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या वैल्यू बन गई 12, और ये 8 साइन इनवर्स 1 अपॉन में 2, 2 इंटू 8, साइन इनवर्स 1 किस पे होता है 90 पे होता है, 90 को पाई बाय 2 लिखा जा सकता है, माइनस में ये रूट 12 हो जाएगा और माइनस में 8 साइन इनवर्स 1 बाय 2 30 पर होती है, 30 को क्या लिखा जा सकता है पाई बाय 6, तो 2 इंटू इसको कट कर दीजिए 2 पे, तो ये क्या आ जाएगा 4 पाई, और रूट 12 को क्या लिखा जा सकता है 2√3, और इसको कट करेंगे तो 3 और ये 4, तो ये क्या आ जाएगा 4 पाई बाय 3। अब इसको और मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कर देंगे तो 2 इंटू 4 8 पाई माइनस 4√3 माइनस 8 पाई बाय 3, तो ये आपका क्या आ गया सेकंड पार्ट, इसका इंटीग्रेशन आ गया, और पहले से ही आपका वैल्यू क्या थी 16√3 अपॉन में 3 ये भी था। अब टोटल एरिया निकालना है, तो टोटल एरिया हमारा कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, 16/3√3 प्लस 8 पाई माइनस 4√3 माइनस 8 पाई बाई 3, तो एलसीएम कितना आ गया आंसर का 3, 16√3 प्लस 8 3 = 24 पाई माइनस 12√3 और माइनस के 8 पाई, 16 माइनस 4 करेंगे तो 4√3 और 24 माइनस 8 करेंगे तो 16 पाई अपॉन में 3, इन सब में से 4 कॉमन आउट हो गया तो क्या बन गया √3 प्लस में 4 पाई अपॉन में 3 स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर है। तो इंटीग्रेशन काफी लेंथी है, प्लीज मेक अप नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 20, और 20 के मैंने दोनों पार्ट लिख लिए क्योंकि आपको एक ही स्टेप करना है, दोनों ही पार्ट इजीली सॉल्व हो जाएंगे, सिर्फ एक ही टेक्निक लगानी है, तो एक से ही आपके दो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसमें ध्यान से क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, ये सर्कल है आपका और विच इज एक्सटीरियर टू द पैराबोला, मतलब आपको वो सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है जो एक्सटीरियर हो, बाहर का पोर्शन हो, जो टू द पैराबोला, उसमें पैराबोला नहीं आना चाहिए, तो इसका अगर पैराबोला से जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसका एरिया निकालना है। दूसरे में कहता है क्वेश्चन में फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया, वो एरिया निकालिए इनटू विच ये कर्व डिवाइड करती है इसको, इसका मतलब जो डिवाइड करेगी वो एरिया और सर्कल का एरिया, उन दोनों का क्या निकालना है आपको, रेशियो निकालना है। तो देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन एक ही है, कैसे करेंगे इसके लिए, सबसे पहले सर्कल देखिए, आपका सर्कल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यही गिवन है सर्कल, तो इसको क्या लिखा जा सकता है 4 का स्क्वायर, इसका मतलब आपके पास सर्कल के सेंटर मिल गए आपको 0 0, और सर्कल की जो रेडियस है वो मिल गई हमें 4, तो सर्कल का सेंटर भी मिल गया, रेडियस भी मिल गई, तो यहां से हम एक सर्कल प्लॉट कर सकते हैं, तो हम यहां पे एक सर्कल प्लॉट करते हैं, तो नेचुरली ये सेंटर है तो 0 0 हो गया, और ये रेडियस कितनी है 4, तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा 4, 0, और ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा -4, 0, इसी टाइप से ये 0, 4 और ये
जीरो कॉमा माइनस फोर। फिर क्या कहता है, यहां एक पैराबोला भी दिया गया है, y square is equal to 6x। तो y square is equal to 6x आपको पता है, square is equal to 6x, इसका मतलब ये y square is equal to 4ax से मैच करता है। तो इसका मतलब ये पैराबोला कौन सा है, राइट पैराबोला। और वर्टेक्स तो आपको पता ही है, वर्टेक्स जीरो कॉमा जीरो, क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो रखने से वाई भी क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। तो इसका मतलब इसका वर्टेक्स जीरो जीरो होगा, राइट पैराबोला है तो ये इस टाइप से आएगा। तो यहां पर जहां पर पैराबोला एनक्रोज करता है वो रीजन तो नहीं लेना, उसका एक्सटीरियर रीजन लेना है। इसका मतलब आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है। आपको ये एक्सटीरियर पार्ट फाइंड आउट करना है। दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि जितना ये एरिया है और जितना ये एरिया है, जो ये पैराबोला जिसमें डिवाइड करता है, इन दोनों का रेशियो भी निकालना है। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैं जो ये एरिया निकालना है तो मैं कॉन्सेप्ट क्या लेता हूं, मैं इस एरिया को नहीं निकालता, मैं क्या निकालता हूं, इस एरिया को निकालता हूं। आप सोच रहे होंगे सर इस एरिया को क्यों, क्योंकि हमें सर्कल पता है, सर्कल की रेडियस पता है, तो सर्कल का एरिया निकाल सकते हो पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू आपको पता है 4, तो सर्कल का एरिया कितना हो गया 16 पाई स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब पूरा सर्कल का एरिया मिल गया आपको। और आप इसका एरिया माइनस कर देंगे तो एक्सटीरियर का तो अपने आप ही आ जाएगा। तो हम यदि इसका एरिया निकाल ले तो एक्सटीरियर का अपने आप निकल जाएगा, तो दोनों एरिया निकल जाएंगे, और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो रेशियो निकल जाएगा, वो हमारा सेकंड पार्ट का क्वेश्चन भी है। तो यही कॉन्सेप्ट अगर आप अप्लाई करेंगे तो हम इस एरिया की बजाय हम कौन सा एरिया निकालते हैं, ये एरिया। मैं इसको ग्रीन मार्कर से मार्क कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये एरिया। देखने से पता चलता है कि नीचे वाला और ऊपर वाला सिमेट्रिकल एरिया है, तो आप कौन सा एरिया निकालिए, ये एरिया। तो हम ये एरिया निकालेंगे और इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये टोटल एरिया आ जाएगा, एनक्लोज्ड एरिया। तो ये एरिया कैसे निकालोगे, आप ध्यान से देखिएगा। यहां पर थोड़ी सी सस्पेंस क्या क्रिएट हो रहा है कि पहले तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि ये पॉइंट कौन सा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को यदि हम ध्यान से देखते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि यहां से पहले तो ब्लू मार्कर दिखाई दे रहा है और यहां से बाद ब्लैक मार्कर। इसका मतलब ब्लू मार्कर तो किसके लिए है, पैराबोला के लिए है, और यहां से यहां किसके लिए, ब्लैक मतलब सर्कल के लिए। तो यहां से यहां लिमिट पता चल जाए आपको x की, तो आप यहां से यहां तक किसको इंटीग्रेट कर दोगे, पैराबोला को, और फिर यहां से यहां तक इंटीग्रेट किसको कर दोगे, सर्कल को, तो आपका टोटल एरिया निकल जाएगा। तो आप हम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो पहले हमारा मेन पर्पस क्या रहेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। आई होप आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी समझ आ गई है। अब मैं एक्स का पोर्शन को रब कर देता हूं। नाउ सॉल्व दिस। अब हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग निकालते हैं। वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 6x, तो पुट यहां पे कर दीजिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर की वैल्यू 6x प्लस में इज इक्वल टू 16। डू सॉल्व, एक्स स्क्वायर प्लस में 6x माइनस के 16 इक्वल टू 0, फैक्टराइज करिए इसको, 8x माइनस में 2x माइनस में 16 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन आउट हो जाएगा, तो x प्लस में 8 माइनस 2 कॉमन आउट हो जाएगा, x प्लस में 8 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको x माइनस 2 और x प्लस 8 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस के 8। अब आपको चेक करना है कि क्या दोनों वैल्यू पॉसिबल है या एग्जिस्ट करती है नहीं करती। y पुट करिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, तो हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 6 इंटू 2 12, तो 12 का रूट क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 12, तो आप इसको लिख सकते हो प्लस माइनस 2√3। जब माइनस 8 पुट करते हो तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू माइनस 8, अगेन माइनस 48। तो यहां पे भी आपको क्या मिल रही है, इमेजिनरी वैल्यूज, रियल वैल्यूज नहीं मिल रही आपको। इसका मतलब ये वैल्यूज नॉट पॉसिबल, तो ये नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करती।
तो यहां से आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया कि एक्स की वैल्यू तो 2 है और वाई की वैल्यू 2 आ रही है, तो एक बार तो आप प्लस के 2√3 यूज करोगे और एक बार आप नेगेटिव के यूज करोगे। इसका मतलब दिस वन इज माय ए पॉइंट और दिस वन इज माय बी पॉइंट। तो आप देखिए कि ये जो पॉइंट आया, ये वैल्यू कौन सी वैल्यू आई, 2, और ये पॉइंट कौन सा आ जाएगा, ये पॉइंट, ये 2, 2√3 आ जाएगा, और जो ये पॉइंट है ये 2, −2√3 आ जाएगा। तो आपको ये पता चल गया कि यहां पर x की वैल्यू कितनी बन गई, 2 बन गई। तो आपका मेन स्टेप तो यही था कि x की वैल्यू पता लगाना कि इस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है, 2, ताकि आप इंटीग्रल उसको डिवाइड कर सके। तो अब हमें ये पता चल गया कि जो हमारा एरिया है इसको नाम दे दीजिए कुछ, मैं ओ ए बी ओ, तो हम एरिया बात कर रहे हैं ओ ए बी ओ की, इस एरिया की बात कर रहे हैं। या हम पूरा ले लेते हैं ओ ए बी, इसको मैं लेता हूं सी ओ, सी ओ, ओ ए बी सी ओ। तो कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि ये निकाल रहे हैं तो इसका डबल कर देंगे, तो 2 × ठीक है, कहां से कहां तक, पहले यहां से यहां 0 से 2 x की लिमिट ले लिया, तो यहां पे y क्या आएगा, और लाइन कौन सी है, ब्लू है, ब्लू मतलब ये कौन सा करवा रही है, पैराबोला, तो यहां पे पैराबोला आ जाएगा, और प्लस फिर 2 से लेकर यहां से लेकर ये लिमिट कितनी है 4, तो 2 से 4 y सर्कल, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा। अब जस्ट आपको इसके और इंटीग्रेट करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्लीज नोट डाउन, नाउ सॉल्व दिस, एरिया किसके इक्वल होगा, 2 × 0 × 2। अब वाई पैराबोला, पैराबोला आपका ये रहा, तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, √6x, ठीक है, आपको पता है वही प्लस माइनस करके आपको वही रीजन सब लिखना है, प्लस इंटीग्रल 2 से 4 वाई सर्कल, और सर्कल ये था, तो यहां से वाई की वैल्यू निकालेंगे, डायरेक्ट निकाल रहा हूं मैं यहां से 16 − x², वही से सेम पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमें इस प्रॉब्लम में नहीं ना, क्योंकि आपको पता चल गया कि क्या रीजन लिखना हो, तो एग्जाम में लिखिएगा, अब तो डायरेक्ट लिख लीजिए। अब ये 2 × इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 0 से 2 √6 को बाहर ले आइए, और ये क्या रह जाएगा, x की पावर रूट, और रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में क्या है, रूट की टर्म से मिल रही है आपको, तो इंटीग्रल तो आपको रट क्या होगा अब तक, प्लस ये 2 से 4, 16 को क्या लिखा जा सकता है, 4 का स्क्वायर, और इसको x का स्क्वायर, इसका मतलब इसको सॉल्व करना है, तो अब ध्यान से करते हैं, पहले मैं 2 इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि दोनों इंटीग्रल अलग अलग हो जाए, अलग अलग सोल्व कर देंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, अदरवाइज एक टाइम पर सोल्व करेंगे तो इंटीग्रल बड़ा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 2√6 0 से 2 x^(1/2)dx प्लस 2 से 4 √4 का स्क्वेयर −(x² · dx, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा ये। अब ये एक इंटीग्रल हो गया, ये इंटीग्रल हो गया, एक ये i1 मान लो, इसको i2 मान लो, अब हम i1 को अलग सोल्व करेंगे, i2 को अलग सोल्व करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, फिर आंसर लिखेंगे। तो प्लीज नोट डाउन दिस, नाउ सॉल्व दिस, तो पहले हम i1 को सोल्व कर रहे हैं, 2√6 x^(1/2) का इंटीग्रेशन x^(3/2) और 3/2 से डिवाइड, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, ये 3/2 रेसिप्रोकल होके 2/3, और इसको बाहर ही ले आइए, क्या वैल्यू बन जाएगी, 2/3, अंदर क्या रह गया, x^(0 से 3, x^(3 कितनी है 3/2, लोअर लिमिट 0 से अपर लिमिट, इसको और सोल्व करिए, 2 × 2 √6/3,
और यहां 2 पुट करिए, 2 की पावर 3 बाय 2 माइनस लोअर लिमिट 0। इसको और सिंपलीफाई करते हैं तो 4 रूट 6 अपॉन में 3, इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 अपॉन में 2। तो इसको फिर से सॉल्व करिए, 4 बाय 3 रूट 6 इंटू 2 इंटू रूट 2, तो ये 4 इंटू 2 8 बाय 3 और रूट 6 इंटू रूट 2 रूट 12। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 रूट 3, तो 8 इंटू 2 16 अपॉन में 3 रूट 3। तो यहां से आपकी पहली वैल्यू मिल गई आपको 16 रूट 3 अपॉन में 3। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो आपको थोड़ा खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि कैलकुलेशन काफी सारी है, क्वेश्चन काफी लेंथी है, मुझे काफी टाइम रफ्स करना पड़ता है, इसलिए थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो प्लीज डू इग्नोर और उसको रीचेक करके आप उसको सोल्व कर लेना। तो अब तक हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 16 रूट 3 अपॉन में 3 वैल्यू, ये आपकी क्या आ गई, आई वन। तो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ कि आई वन की वैल्यू कितनी आ गई, 16 अपॉन में 3 रूट 3। अब हम कौन से इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, तो इसके लिए मैं इसको और अप करूंगा, प्लीज नोट डाउन। नाउ सॉल्व सेकंड पार्ट, आई टू सोल्व करते हैं हम, 2 इंटू इसका इंटीग्रल डायरेक्ट कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए, ए कितना है यहाँ पे 4, अब लिमिट 2 से 4। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूट के डेट लगाइए, करिए सॉल्व। सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट। अब देखिए यहाँ पे 4 पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर पहली वाली तो क्या आएगी, 0 आएगी, प्लस 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 2 वैल्यू क्या आएगी, 8 साइन इनवर्स 4 बाय 4, ये हमारी वैल्यू क्या हो गई, अपर लिमिट। अब माइनस में लोअर लिमिट पुट करेंगे 2, यहाँ पुट करिए 2, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाय 2 प्लस 16 बाय 2 कितना हो गया, 8 साइन इनवर्स 2 बाय 4 या लोअर। तो ये 2 और ये 8 साइन इनवर्स 4 बाय 4 करके क्या बन गया, 1 बन गया, हाँ माइनस में 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, अंडर रूट 16 माइनस 4 12 हो गया, प्लस में 8 साइन इनवर्स 2 बाई 4 कट के क्या हो गया, 1 बाई 2 हो गया, तो ये हो गया 1 बाई 2। और सॉल्व करिए इसको, 2 इंटू 8 साइन इनवर्स 1 कितना होता है, 90 पे होता है, तो 5 बाई 2 लिख दिया, रूट 12 को क्या लिख सकते हो, 2 रूट 3 8 और साइन इनवर्स 1 बाई 2, 1 बाई 2 मतलब 30, 30 को क्या लिखा जा सकता है, 5 बाई 6। तो ये 2 इंटू 2 पे कट कर दो इसको, तो ये क्या बन गया 4 पाई, माइनस सोल्व कर रहे हैं तो माइनस के 2 रूट 3 और माइनस के 8 बाई 6 पाई, इसको सॉरी क्या कर दिया हमने, ठीक है 2 एज इट इज 4 पाई और माइनस के 2 रूट 3 और ये 8 बाई 6, ठीक है। अब इसको कट कर दो 2 पे, तो ये 3 बाई 4, तो ये क्या बन जाएगा, 2 4 पाई माइनस 2 रूट 3 माइनस के 4 बाई 3 पाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 8 पाई माइनस के 4 रूट 3 और माइनस के 8 बाई 3 पाई। अब ये सेकंड का इंटीग्रल आ गया, I2 का इंटीग्रल। अब I1 प्लस I2 को ऐड करना है, तो प्लीज मेक का नोट अगेन, नाउ सॉल्व दिस। अब आपके पास I1 भी आ गया और I2 भी आ गया, दोनों को ऐड करते हैं, I1 प्लस I2 ये हमारा एरिया हो जाता था ओ ए बी ए का, क्या वैल्यू थी, आई वन की वैल्यू थी 16 अपॉन में 3 रूट 3 प्लस, और आई टू की वैल्यू कितनी आई, 8 पाई माइनस 4 रूट 3 अपॉन माइनस 8 बाई 3 पाई। सिंप्लीफाई करना है, 3 कैसे ले लीजिए, 16 रूट 3 प्लस 3 इंटू 8 24 पाई माइनस 4 इंटू 3 12 रूट 3 और माइनस के 8 पाई, 16 माइनस 12 कितना हो गया 4 रूट 3 और 24 माइनस 8 16 पाई प्लस के अपॉन में 3, 4 कॉमन आउट ले लीजिए तो क्या बन जाएगा, रूट 3 प्लस में 4 पाई अपॉन में 3।
तो मैं चेक कर अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, तो हमारा फाइनल एक भी आंसर नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी तो एक्सटीरियर पार्ट का निकालना है वो फर्स्ट पार्ट है, और उनका रेशो निकालना है वो सेकंड पार्ट है। अभी तो हमारे पास ये क्या निकला है, ये एरिया निकला है किसका, ओ ए बी ए का। तो हम पहले अपना फर्स्ट पार्ट का आंसर चेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या था, एक्सटीरियर ऑफ पैराबोला, तो हमें पता था एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया, कौन सा एरिया, ओ ए बी ए, तो वो हमारा एक्सटीरियर एरिया देगा। एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है, और आर की वैल्यू कितनी थी हमारे सर्कल की, 4 थी। यस सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 था, तो आर की वैल्यू हमारी 4 थी, तो 4 का स्क्वायर हो गया, और ये हमने निकाल ले लिया 4 बाय 3 अंडर रूट 3 प्लस में 4 बाय, इसको सॉल्व करिए तो ये क्या बन जाएगा, 16 बाय माइनस के 4 बाय 3 रूट 3 प्लस में 4 बाय। सॉल्व दिस, एलसीएम कितना आ गया 3, तो 48 बाय माइनस में 4 रूट 3 और माइनस के 16 पाई, ये वैल्यू आ गई। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, क्या वैल्यू मिल जाएगी, 48 में से 16 माइनस कर देंगे तो 32 पाई माइनस के 4 रूट 3 अपॉन में 3। मैं चेक करता हूं आंसर क्या है पहले पार्ट का, 4 बाय 3 कॉमन आउट ले लीजिए, पहले इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा ये 8 पाई माइनस में रूट 3 और बाई 3, तो 4 बाई 3 8 पाई माइनस रूट 3, यस यही आपका आंसर है फर्स्ट पार्ट का। तो देखा कि कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे आपको, प्लीज नोट डाउन। अब हमें रेशियो निकालना है किसका, जो एरिया दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इन दोनों का जो ये एरिया आया और ये एरिया आया, इन दोनों को क्या करना है आपको, डिवाइड करने से आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। प्लीज नोट डाउन। नाउ सेकंड पार्ट में क्या कहा था कि इन दोनों का रेशो बताना है, तो अब हम सेकंड पार्ट का आंसर निकाल रहे हैं, रेशो किस किस का, तो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो एक्सटीरियर पार्ट डिवाइड में इंटीरियर पार्ट, एक्सटीरियर पार्ट आपने निकाल दिया 4 बाय 3 8 पाई माइनस रूट 3, इंटीरियर पार्ट आपने निकाल दिया 4 बाय 3 रूट 3 प्लस में 4 पाई, तो ये वैल्यू कैंसिल आउट, तो 8 पाई माइनस रूट 3, इसको पाई के फॉर्म में जैसे लिखना है तो 4 पाई प्लस में रूट 3, दिस वन इज योर आंसर। आई होप आपको समझ आ गया है, प्लीज नोट डाउन।